दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को चुनाव होना है। गठबंधन के तहत आप इनमें से 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर आज दिल्ली में बड़े सियासी स्तर पर संग्राम शुरू हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी की जनसभा से पहले दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और बाकी नेताओं ने शुक्रवार शाम को जनसभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इन रैलियों के लिहाज से डीडीए ग्राउंड में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की रैली के वक्त एसजीपी, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस की 4 लेयर सिक्योरिटी मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, रैली स्थल और उसके आसपास भीड़ को संभालने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करीब 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। रैली स्थल और उसके आसपास के इलाकों में स्कैनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा शनिवार को रैली से पहले स्नाइफर डॉग बम स्क्वाड की टीम स्कैनिंग करेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने इस रैली को लेकर कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जो एक ग्लोबल लीडर हैं, हमारा मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। क्षेत्र के लोग अपने लोकप्रिय पीएम को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और हर कोई उन्हें करीब से देखना और सुनना चाहता है, इसलिए रैली ऐतिहासिक होगी जिसके लिए दिल्ली भाजपा ने व्यापक व्यवस्था की है। बता दें, साल 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के सभी उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा प्रत्येक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बड़े वोटों के अंतर में आगे रही थी। भाजपा को 56% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी को 46% वोट हासिल हुए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।